हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के बेस्ट फ्रेंड, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड, जी हाँ, संदीप सिंह के ऊपर भड़के हैं फैंस। और वो रीज़न ये है कि किस वजह से भड़के हैं, क्योंकि हमने देखा है कि संदीप सिंह किस तरीके से खुद को सुशांत सिंह राजपूत के बहुत ही क्लोज एसोसिएट बताते थे। जी हाँ, हमने देखा है कि संदीप सिंह जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, संदीप सिंह उनके घर पर थे। वो अंकिता लोखंडे को भी अगले दिन लेके गए। वो कॉन्स्टेंटली उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, उनके आप सबने देखा होगा, पटना तक गए थे। जी हाँ, सिर्फ मुंबई में नहीं, वहाँ पे भी। और उन्होंने इतना बड़ा सोशल मीडिया पे अपने इंस्टाग्राम पर अंकिता लोखंडे और सुशांत से रिलेटेड पोस्ट भी डाला था, और उन्होंने सुशांत को कितना मिस कर रहे हैं ये भी जताया। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ इंटरव्यू भी दी। लेकिन फैंस अब इस वजह से भड़ गए संदीप सिंह के ऊपर, क्योंकि अगर वो सुशांत सिंह राजपूत के सच में इतने करीबी दोस्त थे, तो सुशांत सिंह राजपूत संदीप सिंह को अपने इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं कर रहे थे फॉलो? जी हाँ, अगर वो इतने ही क्लोज फ्रेंड होते तो डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत उनको फॉलो करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ संदीप को नहीं कर रहे थे फॉलो। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने हाउसकीपर, अपने मेट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर, रूममेट्स और बहुत सारे जो नॉर्मल लोग की एक्ट हैं उनको भी वो फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने संदीप को फिर क्यों नहीं किया फॉलो? जी हाँ, अगर सुशांत सिंह राजपूत अपने आप कह सकते हो कि अपने नौकर को फॉलो कर सकता है, अपने बाकी सारे जो छोटे छोटे लोग उनसे रिलेटेड हैं, क्रिएटिव आर्ट फील्ड वाले, उनके डिज़ाइनर्स हो गए, इन सब को अगर सुशांत सिंह राजपूत पर्सनली फॉलो करते हैं, अपने फ़ैन क्लब को फॉलो करते हैं, अपने पर फैन को फॉलो करते हैं, जी हाँ, नॉट दिस फैन क्लब, जो फैंस के उनके पर्सनल आईडी होते हैं, नॉट फैन क्लब आईडी, वो उनके पर्सनल लोगों को भी फॉलो करते हैं, तो जब वो इतने सारे लोगों को फॉलो कर सकते थे, तो वो संदीप सिंह को, जो उनके इतने क्लोज एसोसिएट हैं, उनको वो क्यों नहीं करते थे फॉलो? जी हाँ, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम एक्टर होते हैं जो इन सब को फॉलो करते हैं। यूजुअली अगर आप देखोगे तो सारे सेलिब्रिटीज सिर्फ सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, और जो टॉप के डिज़ाइनर्स हैं उन्हीं को। जी हाँ, लेकिन कोई भी इन सारे लोगों को नहीं फॉलो करता, स्पेशली अपने फैन क्लब्स को भी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन फैन क्लब्स के बाद जो पर्टिकुलरली फैंस होते हैं और जो इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं उनके, उन्हें नहीं फॉलो करते। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इन तमाम लोगों को फॉलो करते थे, जो भी उनके क्लोज था या फिर उनसे रिलेटेड था या उनके लिए कुछ करता था, सुशांत सिंह राजपूत उन सबको फॉलो करते थे। वेल, अंकिता लोखंडे, जिनके साथ उनका ब्रेकअप हो चुका था, सुशांत अभी भी उन्हें फॉलो करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आप खुद देख सकते हो गाइस, कि सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में कोई एक बार आ जाए तो सुशांत सिंह राजपूत उसको डेफिनेटली फॉलो करते थे। लेकिन इन सब के बीच आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत संदीप को नहीं फॉलो किए। जी हाँ, अगर कोई किसी का इतना क्लोज फ्रेंड होता है तो क्या एक्टर उसे फॉलो नहीं करेगा? जबकि अगर आप कह सकते हो कि उठना बैठना और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना, होली पे साथ में टाइम स्पेंड करना और ये सारी चीज़ें करना, फिर क्यों सुशांत उन्हें फॉलो नहीं करते थे? क्या संदीप जो कहते हैं कि वाकई वो उनके क्लोज फ्रेंड थे, क्या सच में संदीप उनके क्लोज फ्रेंड थे? आप लोगों को क्या लगता है गाइस कि क्या है ये बुद्धि? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत अगर उनको नहीं करते हैं फॉलो, तो कैसे संदीप कह सकते हैं कि वो उनके क्लोज एसोसिएट थे? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 6,500 लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे, जिसमें से आप देखोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं ब्यूटिक वाले, लेकिन अगर आप नीचे जाके देखोगे तो बहुत सारे आपको नॉर्मल लोग भी मिलेंगे उसके बीच में। ऐसा बहुत ही कम एक्टर होते हैं जो आम आदमियों को, आम लोगों को और उनको फॉलो करता है। अदरवाइज यूजुअली लोग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज सिर्फ पॉपुलर लोगों को फॉलो करते हैं। लेकिन अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको संदीप के बारे में क्या लगता है? क्या संदीप हमसे झूठ कह रहे हैं या संदीप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई वो उनके क्लोज फ्रेंड थे या वो हमें सिर्फ ये चीज़ बता रहे हैं? आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेफिनेटली ट्विटर पर उठी हैं और लोग ये चीज़ अक्सर कहते हैं कि वहीं पे धुआं उठता है जहाँ पे चिंगारी लगती है। तो अब आप लोग मुझे बताओ आपका क्या कहना है इस टॉपिक पर, और स्पेशली संदीप और सुशांत के दोस्ती के बीच में क्या वाकई ये दोनों दोस्त थे? लेट मी नो गाइज योर टेक ऑन दिस इन द बिलो कमेंट बॉक्स सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द लेटेस्ट बॉलीवुड गॉसिप एंड अपडेट। कीप वॉचिंग फिल्मी बीट।